पिपिलि उपनिर्वाचन गोटे दिन पूर्वर एवं एक ऑडियो वायरल होगा लगी निजक बीजेडी पार्टी ऑफिस रु कहुवा दर्शाई जड़े महिला पिपिलि किसी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्यों को फोन कर बीजेडी को वोट देवा कहुवा ओडिया शुणा को मिली हेलो 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 मु बीजेडी पार्टी ऑफिस रु कहुतली आपण गोष्ठी राधाराणी राधाराणी गोष्ठी गीतांजलि बेहरा अच्छा किए कहते कहीदेवे कि कल सका सका आप गोष्ठी जी सब समस्त को लेकिन भोटिंग बुथ को लेकिन जी किए बीजेडी पार्टी ऑफिस कहते आप जनदे मान तापरे नेकी तो जिबे वोट दो तापरे हां ओनली बीजेडी को आगो देबेनी ना 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 आगो देबे आपण एलिना आपण सहित बोलन त एलिना मैडम हमर जो अछन परजय खक महासचिव बीजेडी तांको संग जो बोलन त नहीं मु ताको जानि से के तांको जानि किन तांको सहित जे बोलन तांको मु जानि ओहो बीजेडी बाटा नंबर तले कोठु पाइले नंबर कोड पे लेते क्वेश्चन नहीं आपण गीतांजलि को कहि देबे मु कॉल करथिन ए संपर्क अधिक सूचना पाई रहिछंती हम प्रतिनिधि दुर्गा माधव परिडा रहिछंती आमसे रहिछंती मध्ये हम प्रतिनिधि कालूचरण मध्ये रहिछंती दुर्गा प्रथमे आपण पाकु जीपा पाई चाहिबे ए ऑडियो कॉल रो सत्यता कोन ए जो ऑडियो वर्तन वायरल हेउची से महिला जनक तले किए जदि से बीजेडी रो जो माने लीडर रहिछंती तांको मध्ये जानंती नी बट माने से किंतु कहउछंती कि मु पार्टी ऑफिस रो कहउछी बोली तले किए महिला एबो ए वायरल ऑडियो रो केते दु सत्यता रहिछी देखु आम कह बर्तमान आसंता काली भोट ग्रहण हम से सतैश तारीख रु निर्वाचन जो कमिशनर अच्छा से सतैश तारीख प्रचार प्रसार को बंद कर बाहर अंचल नेता पिपिलि निर्वाचन मंडल भितर को पशे ना और कौन से भावलेंस हम ना एकाधिक अधिक लोक जमीबे ना प्रचार को मानने जो सरकारी नियम रही जो निर्वाचन कमिशन नियम रही शांति श्रृंखलार सहित निरपेक्ष अबाध्य करने जिला प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था कर किंतु यही जो समय भितर जो बीजेडी पार्टी ऑफिस जो फोन कर जो महिला फोन कर निर्वाचन में बीजेडी प्रार्थी प्रचार को आसते किंतु घटना आम देखुचे जहाँ ऑडियो जहाँ मुझे शुणा जाते कहते स्पेशली गोटे दल पर से कहते बीजेडी पार्टी ऑफिस कहते जो से पचारूँ आपड़ मो नंबर कौठार पाइले सी गोटे हाकिमत देखते कि ये कथा कहीं पचारे मो आसतु गोटे कथा हूँ मो नंबर को फोन करेंगे किंतु मुझे पचारि जे आप मो नंबर कौट पारे तेणु सी हाकिमत देखते ये हूँ निर्वाचन एक एक गोटे कथा कह निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन हो बाबद पूर्वर बहुत बार जी अच्छा बीजेपी हो कांग्रेस हो बारंबार अभियोग आनी कि शासक दल सदा बेले निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करुच्ची आउ गोटे कथा कहपर जो महिला एसएचजी ग्रुप को सी ना धरी नौ मिशन शक्ति जरिया जो महिला सशक्तिकरण कर आज जो भाई बीजेडी पार्टी ऑफिस फोन आसूँ कह सका सतटे जीवे और बीजेडी निजर सामान सतटे जीवे और बीजेडी मतदान करेंगे ये कौटिना कौटि निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करुच्ची भाव दुर्गा जहाँ कहले कि निर्वाचन आचरण विधि को उल्लंघन करुच्च राति पाले निर्वाचन जोटी प्रचार सर भी गला आदि कोड ऑफ कंडक्ट मैं लग सारे आम जब सीधा साल भाव में कह तेणु ये भाव में भोटर को वर्तमान जो भाव में मानने कौन हिप्नोटाइज कर वन काइंड ऑफ कि से अप्रोच कर कि तुम्हें बीजेडी को वोट दबो या सहजे ग्रहण करने कथा या जो ऑडियो वायरल होगापर स्थानीय नेता कौन आस प्रतिक्रिया खासकर वायरल ऑडियो रो किसी तनाघना कला कि पुलिस देखु से बाबद आम पाखे कौन सूचना हस्तगत होनाई आमर आम पाखे सेमती किसी खबर पहुँची ना कि ये जो घटना ये जो फोन कर जो महिला एस एच जी गोष्ठी की जो फोन करे हूँ आज संध्या छटा समय ऑडियो कॉल अच्छी जो फोन कॉल अच्छी ये पांचटा सतावन गोटे कल आ छा समय गोटे कल आर्तमान बोमा ब्लास्ट हाँ पुणी आज सन्धार छटा बेले जहाँ कहते कि ऑडियो वायरल हाँ कौटना कौटि जमी लगुच कि पिपिलि निर्वाचन जो अनुषित हाँपाई जाऊँगी उपनिर्वाचन हाँपाई जाऊँगी गोटे लोकों भितर गोटे मानने रंग मेसेज जाऊँगी कि मैंने प्रकृत में कौन होता कि साधारण भोटर जापारती तेणु निहाती भाव में घटनार तदंत होवार आवश्यकता रही मोटामोटी सुरक्षा केमती रही
କୁହନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, କାରଣ ଅଡିଓ ତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆର ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ଖବର ରହିଛି ନା ନା ରହିଛି ବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲାଣି ନା ନାହିଁ ତା ସେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ପିପିଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି, ପୋଲିସ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା ପିପିଲିରେ ଘଟଣା କଥା କହିବା, ଯେବେଠାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ଏବେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅଛି ସାତସଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠାରେ ବମିଂ ହେଉ, ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଯେଉଁ ବମିଂ ହୋଇଛି ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମ ମାଧିପୁର ଛକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବମିଂ ହୋଇଛୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିପିଲିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ଥିଲା ପିପିଲି ମିଟର କାର୍ଟ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧା ଜଣେ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପିପିଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମତଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ SHG ମହିଳାର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 27 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାର ନେତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପଶିବେ ନାହିଁ କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।